एक बार फिर से मैं लाइव हो चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस संजय कुमार दीक्षित पर। आप सभी विद्यार्थियों से इस पवन चक्की के बारे में पढ़ने से पहले एक निवेदन है कि जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन पर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का आता रहे। पहले आपने विज्ञान का ऊर्जा के स्रोत वाला वीडियो जो देखा था उसमें आपने पढ़ा था, अध्ययन किया था उसके कौन कौन से स्रोत हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में पढ़ा था। उन स्रोतों में से एक है पवन चक्की, जिसको आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा था, अध्ययन किया था। इस पवन चक्की की चर्चा आज हम इस वीडियो में करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पवन चक्की का चित्र आपके सामने है, इसको देख के भी समझ सकते हैं। इसको इंग्लिश में विंडमिल कहते हैं। ये पवन चक्की जो है ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें वायु की गतिज ऊर्जा ब्लेडों को घुमाने में प्रयुक्त की जाती है। ये बच्चों के खिलौने जैसी, फ्रिकी जैसी होती है। पवन चक्की के ब्लेडों की बनावट विद्युत पंखे के ब्लेडों के समान होती है। इनमें केवल फर्क इतना होता है कि विद्युत पंखे में जब पंखे के ब्लेड घूमते हैं तो पवन या वायु चलती है। इसके विपरीत पवन चक्की में जब पवन चलती है तो पवन चक्की के ब्लेड घूमते हैं। घूमते हुए ब्लेडों की घूर्णन गति के कारण पवन चक्की से गेहूँ पीसने की चक्की को चलाना, जलपंप चलाना, मिट्टी के बर्तन के चाक को घुमाना आदि इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। यह पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदलने का पूरा पूरा कार्य करती है, ये पवन चक्की है। संरचना में आपने देखा है पवन चक्की की संरचना जैसा कि चित्र में दिया है, इसमें एल्यूमिनियम के पतले चपटे आयताकार खंडों के रूप में बहुत सी पंखुड़ियां लोहे पर लगी होती हैं। इन पंखुड़ियों में आप देखिए इनका पहिया जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊपर लगा रहता है तथा अपने केंद्र से गुजरने वाली लो शॉफ्ट के परेत घूम सकता है। पहिए का तल स्वतः वायु की गति की दिशा के समायोजित हो जाता है। इससे वायु सदैव पंखुड़ियों पर सामने से टकराती है। जब पहिए की एक अक्ष लोहे की क्रेक से जुड़ी रहती है उसका दूसरा सिरा डायनमो से जुड़ा रहता है जिससे पवन ऊर्जा द्वारा गति प्रदान करनी होती है। इस प्रकार इसके देखें कार्यविधि। कार्यविधि में क्या है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं इसमें पवन चक्की द्वारा पानी खींचने की क्रिया का प्रदर्शन किया गया है। पवन चक्की की क्रेक एक जलपंप की पिस्टन छड़ से जुड़ी है। जब वायु पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराती है तो चक्की का पहिया घूमने लगता है और पाइप से जुड़ी अच्छी घूमने लगती है। आज की घूर्णन गति की क्रेक ऊपर नीचे होने लगती है और जलपंप की पिस्टन भी ऊपर नीचे होने लगती है तथा जलपंप से जल बाहर निकलने लगता है। कार्य सिद्धांत देखिए इसका। तेजी से बहती हुई पवन जब पवन चक्की की ब्लेडों से टकराती है तो वह उन पर एक बल लगाती है जो एक प्रकार का घूर्णी प्रभाव उत्पन्न करता है और इसके कारण पवन चक्की की ब्लेड घूमने लगते हैं। पवन चक्की का घूर्णन उसके ब्लेडों की विशिष्ट बनावट के कारण होता है जो विद्युत के पंखे के ब्लेडों की समान होती है। पवन चक्की को विद्युत के पंखे के समान माना जाता है जो कि विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, क्योंकि जब पंखे के ब्लेड घूमते हैं तो पवन चलती है तथा इसके विपरीत जो पवन चलती है तो पवन चक्की के ब्लेड घूमते हैं। पवन चक्की के लगातार घूमते हुए ब्लेडों की घूर्णन गति से जलपंप और गेहूं पीसने की चक्की भी चलाई जा सकती है। पवन चक्की पवन ऊर्जा से ही घूमती रहती है। ये आज रहा है पवन चक्की का वीडियो। इसका चित्र जरूर बनाएंगे, चित्र को समझेंगे और इस चित्र में जो जो नामांकित किया गया है इसको पूरा बना करके करेंगे और समझेंगे और याद करेंगे।